हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल राधा माधव कलेक्शन कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे तो देखिए फ्रेंड्स हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन समर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे तो जैसे कि रेडीमेड ड्रेसेस आती हैं ठीक उसी तरीके से मैंने ये कान्हा जी की पोशाक घर पर बनाई है जो कि आप भी इजिली बना कर कान्हा जी को पहना सकते हैं और इसका लुक भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आता है ये देखिए काना जी को ड्रेस पहनाने के बाद देखिए इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा तो अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है राधा माधव कलेक्शन ट्रिपल फाइव साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें साथ ही साथ मुझे सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही साथ और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरे दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे और आप बहुत ही कम सामान में आसान तरीके से कान्हा जी के लिए नए तरीके की पोशाक बनाते रहें ड्रेस बनाने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर के नेट के फैब्रिक में से एक पीस कट कर लिया है आप चाहे तो इसकी जगह पे रेऑन टफेटा सिल्क कॉटन कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ तो सबसे पहले हम कपड़े की लंबाई देखेंगे इसकी देखिए जो टोटल लंबाई है तो मैंने 30 इंच कि तीस इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो तो मैंने साढ़े तीन इंच यानी कि थ्री पॉइंट फाइव इंच रखी है अब हमें कपड़े को इस तरीके से रखना है और सिर्फ एक तरफ से हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो एक बार फोल्ड करेंगे फिर एक बार और फोल्ड करेंगे ऐसे डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे एक तरफ से डबल फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसमें प्लेट डालना है तो ऐसे कपड़े को हम फोल्ड करेंगे और एक प्लेट डालेंगे फिर से हमें कपड़े को पकड़ कर फोल्ड करना है और जो हमने पहली प्लेट डाली है उसके ऊपर हम ये दूसरी प्लेट रखेंगे एक के ऊपर एक करते हुए हमें पास पास में प्लेट्स डालनी है क्योंकि हमने काफी लंबा कपड़ा कट किया है और कमर की चौड़ाई हमें कम ही रखनी है क्योंकि हम छोटे कान्हा जी के लिए पोशाक बना रहे हैं तो ऐसे करके हमें एक के ऊपर एक करते हुए प्लेट्स डाल लेनी है हमें इस बात का ध्यान रखना है जिधर से हमने डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई है उधर से सभी प्लेट्स एकदम बराबर होनी चाहिए क्योंकि उधर से हम फोल्ड करके सिलाई लगा चुके हैं तो अब कट नहीं कर सकते ये देखिए अब हम सिलाई लगाएंगे मैंने तीन चार प्लेट डाल ली है सिलाई लगाकर लॉक करने के बाद सुई को अंदर की तरफ डाल के रखा है जिससे कि कपड़ा यहीं पे लॉक हो गया है और आगे हमें प्लेट्स डालने में आसानी होगी अब हमें फिर से ऐसे ही एक के ऊपर एक करते हुए प्लेट्स डालते जाना है और यहाँ ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है ऐसे ही हम लास्ट तक प्लेट डालेंगे तो प्लेट्स डालते हुए मैंने ये देखिए यहाँ ऊपर की तरफ से सिलाई लगा ली है अब मैं आपको कमर की चौड़ाई भी बता देती हूँ तो कमर की जो चौड़ाई है वो मैंने तीन इंच यानी कि थ्री इंच रखिए अब अगर आप जीरो नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं तो आपको दो इंच की कमर की चौड़ाई रखनी है एक नंबर के कान्हा जी के लिए ढाई इंच की कमर की चौड़ाई रखनी है और दो नंबर के कान्हा जी के लिए आपको तीन इंच यानी कि थ्री इंच की कमर की चौड़ाई रखनी है तो मैंने दो नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई है इसलिए तीन इंच की कमर की चौड़ाई रखी है आप चाहें तो अपने कान्हा जी की कमर का मेजरमेंट भी ले सकते हैं जो भी साइज आए आता है उसके हिसाब से आप कमर की चौड़ाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप कमर की चौड़ाई कम करना चाहते हैं तो थोड़ा और पास पास में प्लेट्स डालें जिससे कि कमर की जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी और अगर आप चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा दूर दूर प्लेट डालें जिससे कि चौड़ाई बढ़ जाएगी अब हमें नीचे की तरफ से भी सिलाई लगानी है तो हम क्या करेंगे ये देखिए यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और एक प्लेट जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उसके बाद हम ये दूसरी प्लेट रखेंगे थोड़ी सी गैपिंग देते हुए बहुत हल्की सी गैपिंग देते हुए हमें ऐसे रखनी है और सिलाई लगानी है। हमें फिर से ये जो दूसरी प्लेट जहाँ पे खत्म हो रही है उसके बाद हम ये तीसरी प्लेट रखेंगे थोड़ी सी गैपिंग देते हुए ऐसे ही हमें हर एक प्लेट को सेट करना है क्योंकि नीचे से हमें चौड़ाई बढ़ानी है गोलाई देनी है तो इसीलिए हम देखिए गैपिंग देते हुए फिर प्लेट्स को सेट करेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे तो मैंने देखिए नीचे की तरफ से प्लेट्स को सेट करके सिलाई लगा लिया और आप देख सकते हैं जहां पे एक प्लेट खत्म हो रही है वहां से मैंने दूसरी प्लेट रखी है और इस तरीके से फैलाते हुए मैंने नीचे से सिलाई लगाई है अब हम यहाँ से लेस लगाएंगे जिससे कि जो सिलाई हमने लगाई है वो भी ढक जाएगी तो मैंने यहाँ पे ये गोल्डन कलर की सुंदर सी लेस ले लिया है आप कोई भी दूसरी लेस भी लगा सकते हैं ऐसे हमें इसको रखना है और सिलाई लगाकर यहाँ तक ज्वाइंट कर लेना है अब हमें इसमें डोरी लगानी है तो मैंने गोल्डन कलर की रेडीमेड डोरी में से एक पीस कट किया है ऐसे करके हम इसको रखेंगे और जहां से हमने सिलाई लगाकर प्लेट जॉइंट की है वहीं से डोरी को रखते हुए इसको भी सिलाई लगाकर जॉइंट करेंगे सिलाई लगाकर मैंने देखिए डोरी भी ज्वाइंट कर ली है और अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके निकाल लेंगे डोरी नहीं कटनी चाहिए ध्यान रखेंगे कट करने के बाद अब देखिए स्कर्ट बनकर बिल्कुल तैयार है हम कान्हा जी के लिए चोली बनाएंगे तो चोली बनाने के लिए भी मैंने एक पीस कट कर लिया है और अब मैं आपको इसका भी मेज़रमेंट बताती हूँ तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो मैंने सेवन इंच यानी कि सात इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है मैंने दो इंच यानी कि टू इंच रखी है अब हमें इसको दोनों तरफ से फ़ोल्ड करके सेंटर में लेके आना है फिर सेंटर से भी फोल्ड करना है और सिलाई लगा पट्टी तैयार कर लेनी है अब देखिए जिधर की तरफ से हमने सिलाई लगाई है उधर से ही हम इसमें लेस भी लगा लेंगे लेस लगाने के बाद देखिए पट्टी तैयार है अब हम इसको बीच में से फोल्ड करेंगे और यहाँ सेंटर से कट करके डिवाइड कर लेंगे दो पीस में कट करने के बाद अब हमें देखिए ये जो लेस वाली साइड है वो ऊपर की तरफ रखते हुए इसको पलट कर पीछे से रखा है और एक बार हम ऐसे फोल्ड करेंगे फिर एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे फोल्ड करते हुए ये देखिए लेस वाली साइड सेंटर में आ रही है अब हमें स्कर्ट लेनी है और स्कर्ट पे ऐसे नीचे की तरफ से हमें चोली रखनी है और इसको सिलाई लगा कर ज्वाइंट करना है कान्हा जी के साइज़ के हिसाब से आप इसकी जो लंबाई है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं कम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा नीचे से लगाएं चोली ज़ीरो नंबर कान्हा जी के लिए और बढ़ाना चाहते हैं थोड़ा सा ऊपर से लगाएं सेम ऐसे ही हमें देखिए ये दूसरा वाला पीस भी तैयार करना है इसको भी हम ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए फिर एक पीस जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से हम दूसरा पीस रख लेंगे एकदम बराबर करते हुए। चोली ज्वाइंट करने के बाद देखिए ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा साथ ही साथ मैंने ये पगड़ी भी बना ली है ये पगड़ी बनाना मैंने पिछली वीडियोस में कई बार बताया है तो इसीलिए आज मैं नहीं बता रही हूं कंप्लीट ड्रेस हो चुकी है तो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग